नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। 22 प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अनित कुमार के हस्तांतरण के मौके पर प्रखंड परिसर में स्थित प्रशिक्षण भवन में एक विशाल विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में अनेक जनप्रतिनिधि, कर्मचारी संगठन के नेताओं, मीडिया कर्मियों एवं सेवा कर्मियों के प्रतिनिधियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जनप्रतिनिधियों के रूप में स्थानीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद, प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम, श्रीपुर मलाटोली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जहीरुद्दीन, खपरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शाहनवाज आलम, चंद्रगांव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रहमत हुसैन, कर्मचारी संगठन की ओर से पंचायत सचिव संघ के प्रदेश संरक्षक सुनील कुमार सिंह, कर्मचारी महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, बिहार पेंशनर समाज पूर्णिया के जिला सचिव दिलीप कुमार चौधरी, पंचायत सचिव पंचम प्रसाद गुप्ता, पंचायत के आईटी सह लेखापाल सुश्री प्रीति कुमारी, कार्यपालक सहायक श्री जितेंद्र कुमार आदि समारोह में उपस्थित हुए तथा समारोह को संबोधित किया। जन प्रतिनिधियों से लेकर कर्मचारी संगठन के सभी वक्ताओं ने निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यकलाप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं सभी वक्ताओं ने कहा कि एक लंबे समय के बाद 22 प्रखंड में ऐसा प्रखंड विकास पदाधिकारी मिला था जो सभी वर्ग के लोगों को खुश करने में सफल रहे तथा सरकारी नियम के तहत सभी को सेवा उपलब्ध कराते रहे। समारोह को संबोधित करते हुए 22 अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती कुमारी तोशी ने कहा कि निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अनित कुमार की कमी का एहसास यहाँ के लोगों को होता रहेगा। वही नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती नूतन कुमारी ने कहा है कि निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कायम कार्य संस्कृति के मेरे द्वारा भी बरकरार रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता अंचल अधिकारी मोहम्मद इस्माइल ने की तथा मंच संचालन साहित्यकार गोपाल चंद्र घोष मंगलम द्वारा किया गया। इनका विजन प्रभाव, क्योंकि हमने अपने 30-25 साल के राजनीति में बहुत सारे पदाधिकारियों से, आप लोगों ने पूर्व में भी विधायक बनाया था और अभी भी वर्तमान विधायक हूँ, इस टाइप के पदाधिकारी बहुत कम आते हैं जिनका चर्चा से और जनप्रतिनिधि से डायरेक्ट समन्वय होता है। हमारे वीडियो साहब निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी अनित कुमार का स्थानांतरण सीतामढ़ी हो गया है। अभी इनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन मुझे आए हुए अभी 3 महीने हुए हैं। मुझे इनके साथ काम करने का 3 महीने का मौका मिला है। इसमें जो इनकी कार्यशैली वो काफ़ी उत्कृष्ट है और एक बहुत अच्छी है जो एक पदाधिकारी का होना चाहिए। तो ये इनका और अन्य पदाधिकारी के साथ जो एक सामंजस्य साथ काम करने का तरीका है, ये अन्य पदाधिकारियों के लिए अनुकरणीय है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ ही इनके द्वारा जो काम किया गया है, जो कीर्तिमान स्थापित किया गया है कार्यों में, अभी जो वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी आई हैं उनसे भी उसे आगे बढ़ाने का उम्मीद की जाती है। कुमारी तोशी, अनुमंडल पदाधिकारी 22। जी, आज वीडियो साहब का विदाई से सम्मान समारोह था, आज 22 प्रखंड परिसर में निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अनित कुमार जी का विदाई एवं सम्मान समारोह था, जिसमें हम लोग आए थे, पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी आए थे और यहाँ के जो वरीय हमारे पदाधिकारी लोग हैं, अनुमंडलाधिकारी जी और यहाँ के सीओ साहब, अंचल और प्रखंड के सभी कर्मचारी और पूरे क्षेत्र से जनप्रतिनिधि आए थे। उन्होंने इनके कार्यकाल को इनके नेक नामी के लिए याद किया और इनकी विनम्र भाव को जो जनता और जनप्रतिनिधि से था उसके लिए याद किया और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस प्रकार का कार्य कठिन समय में, अरे इनका इनसे बहुत उपेक्षाएँ थी क्षेत्र को। इनके कार्यकाल में कोरोना जैसा महामारी जिससे पूरा दुनिया वाकिफ है और बाढ़, 22 विधानसभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसमें इनकी भूमिका रही और आपको निर्वाचन कार्यों में भी इन्होंने बखूबी निभाया। इस सब बात के लिए इनको लोग याद करेंगे, आने वाले भविष्य में भी याद करेंगे और ऐसे पदाधिकारियों की आवश्यकता है 22। उनसे भी हम आशा करते हैं कि जो नूतन जी वीडियो आई हैं उनसे भी आशा करते हैं कि इनका जनप्रतिनिधियों से समन्वय का रिश्ता हो, ताकि जनकल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार और बिहार सरकार का, जिसका लाभ यहां के स्थानीय जनता को मिल सके। सैयद रुकनुद्दीन अहमद, विधायक 22।
यहाँ जो लोग थे जनता वहाँ के साथ रहा और जनता कैसा संबंध रहा और कैसा कार्य रहा? भाईसी में हम 2019 से पदस्थापित थे और सभी का सहयोग रहा, सभी के सहयोग से ही हम इतना काम भी कर पाए। हमारे समय जब हमारा पदस्थापन हुआ था मेरा, तो बहुत तरह की थी समस्या, कोरोना था, बाढ़ था, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, पैक्स चुनाव, सभी का यहाँ के जनमानस के सहयोग से, जनप्रतिनिधि के सहयोग से, आप जैसे मीडिया बंधु के सहयोग से सभी को हमने बखूबी निभाया। किस बात कोई मलाल है आपको इस क्षेत्र से? नहीं, कोई मलाल नहीं, हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह होते रहे और आप लोग भी प्रखंड में जैसे जिस तरह हमको साथ दिए हमारे कार्यकाल में, आप लोग ने बखूबी साथ निभाया, आगे भी निभाइए और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए जो भी हो आप आगे करते रहिए। हम भी चाहेंगे कि बायसी, चूँकि मेरा कर्म क्षेत्र रहा, 3 साल में हमने यहाँ काम किया, तो बायसी का काम आगे बढ़े। यहाँ का जनमानस बहुत ही सीधा है, वो कभी वो कार्यालय देखे भी नहीं थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय आने में हिचकते थे, चप्पल जूता खोल के आते थे, जिसको मैंने हिम्मत दे के कहा कि आइए, आपके लिए हम हैं, हम हमारे लिए आप नहीं, आपके लिए हम हैं। मैंने अपना फर्ज निभाया, जो सरकारी के कर्मी पदाधिकारी का फर्ज होता है हमने उसको निभाया है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? वहाँ सीतामढ़ी के चिरोट प्रखंड में मेरा पदस्थापन हुआ है, हम वहीं पदभार ग्रहण करेंगे। अनित कुमार, निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी बायसी। बहुत सहयोगात्मक रहा, हम दोनों भाइयों ने मिलकर तकरीबन 1 साल बायसी अंचल प्रशासन को चलाया है, काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का। आज उनका विदाई सा समारोह का आयोजन प्रखंड स्तर पर किया गया है, जिसमें हमारे माननीय विधायक महोदय, हमारे SDO साहिबा, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय, सभी जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और आम आवाम बड़ी संख्या में शिरकत किए हैं। चूँकि जॉब में अगर आए हैं तो वो स्थानांतरण तो लगा ही रहेगा, और इसी क्रम में आज हमारे BDO साहब का भी स्थानांतरण हो चुका है सीतामढ़ी के चौरथ प्रखंड में, तो इनको वहाँ पर जाके योगदान करना है। इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है और यहाँ के आम आवाम ने भी इस बात को यहाँ साबित किया है, तो हम लोगों का भी ये प्रयास होना चाहिए कि जैसे BDO साहब का कार्यकाल रहा, हम लोग भी इस तरह से जनता के बीच में अपनी पैठ बनाए, अच्छे से उनका काम कर सके जो होने लायक है। मैं मोहम्मद इस्माइल, अंचल अधिकारी बायसी। आपसे जो मेरी बात हुई और मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उस पर काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम हुआ है पिछले 3 वर्षों में, और मेरी भी बाढ़ और आपदा की जो भी स्थितियां होती हैं या पिछले समय में भी हम लोगों ने महसूस किया है, कोविड का काल हम लोगों ने देखा है, उसमें क्विक एक्शन लेना पड़ता है, तो CEO साहब और हम लोग बिल्कुल सामंजस्य बना करके बिल्कुल कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, और आम जनमानस की जो अपेक्षाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं और उनके जो भी कार्य हैं उन पर पूरी तरह खड़ा उतरने की कोशिश हमारी रहेगी। मैं नूतन कुमारी, BDO बायसी। विकास पदाधिकारी जी के थे, इसमें सभी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब और SDO मैडम साहिबा और नया जो प्रखंड विकास पदाधिकारी आई हैं, इन सब की उपस्थिति में बहुत अच्छा यानी कि प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम से आने वाला भी जो प्रखंड विकास पदाधिकारियां होंगी उनसे भी हम लोग उम्मीद रखेंगे कि इससे भी अच्छा प्रोग्राम हो, और लोगों का कार्य जिस तरह से BDO अनित कुमार जी किए, एक जनप्रतिनिधियों से कंधे मिलाकर किए और सभी पदाधिकारी और कर्मियों से कंधे मिलाकर के किए, तो इसका आज जो है ये प्रोग्राम के माध्यम से पूरा देश देखेगा कि BDO अनित कुमार जी जो बायसी में थे वो अपने कार्यकलाप 3 साल का जो वक्त बिताए तो कितना अच्छा से काम किए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ आलम, प्रखंड प्रमुख बायसी।